इंडस्ट्री में हैशटैग मीटू अभियान की होड़ काफी लंबे समय तक देखी गई थी। कुछ महीने पहले ही इस अभियान की शुरुआत की थी बॉलीवुड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने, जहां पर मीटू मूवमेंट में तनुश्री ने अपने साथ हुए उन तमाम चीजों के बारे में अपनी कहानी को बयां किया था जो नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप को लगा रहा था। तनुश्री के मुताबिक नाना ने उनके साथ फिल्म हॉर्न ओके प्लीज के सेट पर बदतमीजी की थी। कुछ देर पहले ही हाल ही में जो एक बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस मामले में अब नाना पाटेकर को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई पुलिस के एक स्थानीय कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा गया है कि तनुश्री मामले में अब उन्हें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, जिस वजह से नाना के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। नाना को मिली क्लीन चिट को लेकर सोशल मीडिया दो भागों में बंट चुका है। तनुश्री इस मामले पर अपने रिएक्शंस भी दे रही है। तनुश्री ने मुंबई पुलिस पर अपना गुस्सा निकाला और उन्होंने कहा, भ्रष्ट पुलिस फोर्स और लीगल सिस्टम ने एक ऐसे इंसान को क्लीन चिट दे दिया। यहाँ पर तनुश्री कहती है, भ्रष्ट पुलिस फोर्स और लीगल सिस्टम ने एक ऐसे इंसान को क्लीन चिट दे दिया जो कि करप्ट है। नाना के खिलाफ पहले भी फिल्म इंडस्ट्री की कई महिलाएं जो हैं हैरेसमेंट की शिकायत कर चुकी हैं। हमारे गवाहों को शांत करवा दिया गया और उनकी जगह पर झूठे गवाह लेकर आ गए ताकि ये केस अब कभी कमजोर बनता जाए। रिपोर्ट को फाइनल करने की क्या जरूरत है जब तक सभी गवाह ने अपने बयान ही नहीं दर्ज करवाए। यहाँ पर साफ तौर पर तनुश्री का गुस्सा तो देखा जा रहा है, मगर वहीं हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि अब जो खबर आ रही है वो यही है कि नाना पाटेकर जो है वो क्लीन चिट हो चुके हैं। नेक्स्ट आई न्यूज़ रूम से नैंसी की रिपोर्ट।